गांधी की राजनीतिक सोच से बनी रणनीति है, जिसका खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। इस वक्त कांग्रेस की रणनीति यही है कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाए। कांग्रेस जानबूझकर संसद में हंगामा कर रही है, काम नहीं होने दे रही है, जिससे संसद में देश के लिए महत्वपूर्ण बिल फंस गए हैं, लटक गए हैं। कांग्रेस नरेंद्र मोदी की उस छवि को चोट पहुंचाना चाहती है जिसमें मोदी को ओवरऑल इनकम बढ़ाने और नई नौकरियां बनाने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। संसद में हंगामा करने और काम रोकने में कांग्रेस की सफलता से उत्साहित राहुल गांधी और उनके करीबियों ने एक नई रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के जरिए राहुल गांधी चार अहम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर आम लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, और ये चार मुद्दे हैं: अर्थव्यवस्था, बहुसंख्यक समुदाय के हित, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान से आए आतंकवाद को रोकने में नाकाम। कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर जमीन अधिग्रहण बिल और जीएसटी जैसे बिल पास हो गए तो भारत में बहुत तेजी से विदेशी निवेश आएगा, जिससे देश तेजी से आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने जो दो बजट अब तक पेश किए हैं उनमें बड़े आर्थिक सुधार नहीं हुए। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी और इनकम टैक्स में बहुत कम छूट से मिडिल क्लास वोटर खुश नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार को मजबूती देने वाले लैंड बिल और जीएसटी जैसे बिल कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव तक पास न हो पाए। कांग्रेस और राहुल गांधी का मकसद ये है कि ये बिल कतई पास ना हो, जिससे नरेंद्र मोदी के इफेक्टिव गवर्नेंस वाले नारे को ध्वस्त किया जा सके। इस खतरनाक रणनीति की वजह से संसद में बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स भी असहाय नजर आ रहे हैं, जबकि संसद में बीजेपी और उसके सहयोगी बहुमत में हैं। राहुल गांधी की हंगामे वाली रणनीति के दो हिस्से हैं। एक हिस्से की सोच हमने आपको बता दी कि अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते हैं, भले ही इसकी वजह से देश को ही नुकसान क्यों ना पहुंचे। राहुल गांधी की सोच का दूसरा हिस्सा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ता है। अब हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि बीजेपी की सबसे मजबूत कड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कहा है। ऐसा करके राहुल गांधी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की ऐसे नेता के तौर पर छवि बने जो दागी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का इच्छुक नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने ही वाले हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लालू की छवि को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमले कर रही है। खुद नरेंद्र मोदी ने गया की रैली में लालू यादव को भुजंग प्रसाद और नीतीश कुमार को चंदन कुमार कहकर उन पर निशाना साधा था। राहुल गांधी की रणनीति ये है कि सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान और पंकजा मुंडे के नाम पर हंगामा करके लालू यादव की तरफ से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। राहुल गांधी का प्लान ये भी है कि कम से कम दो महीने तक, यानी बिहार विधानसभा चुनाव होने तक, वो सुषमा स्वराज और दूसरे बीजेपी नेताओं को अनैतिक आचरण का आरोपी लगातार बताते रहे। आपको याद होगा कि दो वर्ष पहले जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे, तब उन्होंने उद्योग जगत की बड़ी संस्था सीआईआई में एक भाषण दिया था। सीआईआई ने उन्हें एक भाषण देने के लिए बुलाया था। राहुल गांधी का वो भाषण बहुत चर्चित हुआ था। इसमें राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना ज्ञान दे रहे हैं और सामने बैठे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज ताली बजा रहे थे। आज राहुल गांधी के भाषण का एक अंश देखना बहुत जरूरी है, उसी भाषण का अंश जिसकी हम आपके सामने जिसका जिक्र कर रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी की वर्षों पुरानी वो बात सुनिए, फिर हम इससे जुड़े हुए विरोधाभास पर रोशनी डालेंगे। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सेलरेट दिस मूवमेंट। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड इंडिया विद द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल दिस अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड आइडियाज। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू कनेक्ट इंडिया। इट नीड्स टू कनेक्ट इंडियन विलेजेस, इट नीड्स टू कनेक्ट इंडियन सिटीज, एंड इट नीड्स टू कनेक्ट इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव टू प्रोवाइड द रोड्स on which our dreams are paved. And these roads, they can't have potholes. They can't break down in 6 months.
have to be big roads because they're going to carry strong people. They're going to carry strong forces. We have to provide the ports from which ideas will set sail. We have to provide the electricity for our children that will light up their future. Government cannot build this infrastructure alone. We are incapable of doing it alone. We need your help. It has to be built jointly, and together we will find the models where capital is used efficiently and without delay. It is critical that the business environment for the creation of this dynamic infrastructure is stable and predictable. Secondly, people were not the only thing moving on that train. Ideas moved with them. And in the 21st century, we need to make ideas move fast. अब सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि उस वक्त देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के सीईओज राहुल गांधी के भाषण पर ताली बजा रहे थे और आज वही सीईओज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से देश का विकास रुक गया है। देश के टॉप 30 यानी टॉप 30 सीईओज के एक सर्वे के मुताबिक देश के विकास को लेकर विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है। इस सर्वे के मुताबिक मॉनसून सत्र में आर्थिक सुधारों के लिए जरूरी बिल पास न होने से ज्यादातर सीईओज निराश हैं। उद्योग जगत ने संसद में अहम बिल्स की राह में कांटे बिछाने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। सीईओज के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 6 महीनों में उस तरह का विकास नहीं होगा जिसका अनुमान पहले लगाया जा रहा था। इस सर्वे में सभी सीईओज ने एक स्वर में कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का रवैया देश के लिए अच्छा नहीं है। सर्वे में शामिल 74% सीईओज को ये लगता है कि लैंड बिल को कमजोर करने से प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी और इसका निवेश पर बुरा असर होगा। 61% सीईओज ने ये माना है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल में देरी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सर्वे में सीईओज ने सरकार को लैंड बिल में संशोधन और जीएसटी बिल में देरी को लेकर सावधान भी किया है। अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है और इस मामले में अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के दिग्गजों की क्या राय है, आज हम ये भी आपको सुनवाएंगे। To be honest, this is a non-partisan issue. This is something which is going to improve the economy of the country. It benefits everybody. It doesn't benefit any one party. So I'm hoping that the government will be able to get this through. Mr. Jaitley seems to still be optimistic, and it will clearly be essential to get done. मैं आशा रखता हूं कि पास हो जाएगा, देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देश की जीडीपी ग्रोथ 2% बढ़ेगी जीएसटी जो पास हुआ तो मैं समझता हूं कि काफी ऑपोजिशन पार्टीज भी सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, तो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। जीएसटी का आना बहुत जरूरी है फॉर द इकोनॉमी, फॉर सेंटिमेंट, फॉर एक्चुअल वर्किंग, सब कुछ के लिए जीएसटी के बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने सांसद हैं, हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग वोट देके लेजिस्लेचर में भेजे हैं कि उन लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द देश की भलाई के लिए इसको लेके आएंगे। ना ये हमारा पर्सनल सोच है कि इस देश में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो ये पोटेंशियल को पूरा करना सबका ही सबका क्या कहे जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग सब अगर अपने आप की जिम्मेदारी निभाएं तो जरूर हम लोग को देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी बहुत अच्छी से ग्रो करे।